समेत महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार और बीएमसी लगातार लोगों से ये अपील कर रही है कि अपने घरों से बिना मास्क के ना निकले और जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग बना के चले बाहर। लेकिन ऐसे में जो मुंबई के कुछ जो पॉश एरिया है, जैसे अंधेरी ईस्ट हो गया, अंधेरी वेस्ट हो गया, कांदीवली, बोरीवली, इन इलाकों से सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो बाहर निकल के आ रही है। ऐसे में इस वक्त मैं अंधेरी वेस्ट में हूँ और ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पे अगर ज़मीनी स्तर पे देखें कि किस तरह से लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलते हैं या नहीं चलते, और यहाँ पे जो स्टेशन है बगल में स्टेशन है और ये बस स्टॉप है, हालांकि आज शनिवार है तो ऐसे में जो लोग है थोड़ा कम यहाँ पे नज़र आएंगे। लेकिन अगर आपको पिक्चर दिखाना चाहूँ, फोटो तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस तरह से लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग नियम पालन कर पाते या नहीं कर पाते, क्योंकि ये बस स्टॉप है और यहाँ पे एक लंबी कतारें लगी होती है बसों की और लाइनों की, तो ऐसे में कितना मुश्किल है लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बना पाना। हम लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग बना पाते। सर ये बताइए, एक बार फिर से कोरोना वायरस जो है बढ़ रहा है मुंबई में, तो ऐसे में सरकार लगातार अपील कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, तो क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पा रहा है अभी? हाँ, होना चाहिए, सोशल वर्किंग दूर रखना चाहिए आदमी को, अपना बचाव करना चाहिए यहाँ पे। तो आपको लग रहा है कि हो पा रहा है क्योंकि बसों की लाइन बहुत लंबी होती है, ट्रेनों में बहुत भीड़ होती है? नहीं, इतना तो नहीं हो पा रहा है। देखिए ना, आप भी देखिए, नजदीक तो सब बाजू बाजू में ही है। आप यहाँ से रोज बस से यहाँ से यात्रा? वर्षों हजार तो लोग ऐसे ही लंबी लाइन लगी होती है यहाँ? हाँ, डेली बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना यहाँ पे जो बसेस के लिए लाइन होती है काफ़ी लंबी लाइन होती है, ऐसे में जो लोगों को है सोशल डिस्टेंसिंग बना पाना काफ़ी मुश्किल होता है। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। सर एक बार फिर से मुंबई में जो केसेस से बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार लगातार बोल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे लोग, तो आपको लगता है ये पालन हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है कि क्यों इस तरह से पालन नहीं कर पा रहे लोग? पब्लिक के समझ में नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट अपने इसके लिए बोल रही थी, पब्लिक को समझ में नहीं, पब्लिक को पालना चाहिए, फॉलो करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग। आपको लगता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे कि बसेस हो गया, लोकल ट्रेन हो गया, जिसकी वजह से लोग काफ़ी उसमें क्राउड नज़र आते बना के चलते, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग उसमें पॉसिबल है? वो तो लोग क्राउड में आ रहे हैं बरबर, लेकिन क्या जॉब पर जाना काम करना तो ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का नियम जो है वो नहीं फॉलो कर पा रहे। बिल्कुल, जैसे कि सुना आपने कि यहाँ पे जो लंबी लाइनें कतारें होती है यहाँ पे बसेस के लिए, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन कर सके। और ख़ास करके अगर अंधेरी वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे रोज़ जो अमूमन दिन होते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार के दिन जो होते हैं एक लंबी कतारें होती है, जिसमें लोगों को काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग नियम बना के चले। तो कहीं ना कहीं सरकार तो लगातार लोगों से अपील कर रही है, तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि सरकार इस तरह से किस जो है कब फैसला लेगी कि आखिर जो लोगों को सुविधाएं एक अच्छी तरह से सुविधाएं मिले जिससे लोग भी जो है और सोशल डिस्टेंसिंग जो है कर सके। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस तरफ देखने की ज़रूरत है कि लोगों को एक अच्छी सुविधा दे ताकि बसों की जो है फ्रिक्वेंसी बढ़ाए, और ख़ास करके एसी बस, जो कि एसी बस एक छोटी होती है और जिसमें लोग जितने सीट पर बैठे होते हैं उससे ज़्यादा लोग जो है वो बसों में खड़े होते, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन कर सके। HM News के लिए सरिता शर्मा।